गाइस ये हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड। आप देख सकते हो कि वेदर बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, बाहर निकल ली थी थोड़ी धूप, लेकिन यहाँ भी धूप है थोड़ी, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा ठंडा यार, अमेजिंग एकदम, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप भी इधर जरूर आना। वी आर टेकिंग स्मॉल ब्रेक यार, बहुत थक गया सच में यार, पैर दबा दिए हैं। क्या लगता है कि आगे चलें या नहीं? बिल्कुल चलना चाहिए, भोले बाबा का साथ है, हम आगे जरूर जाएंगे। आगे चलना चाहिए या नहीं? हाँ चलना चाहिए। ताबिक, हमने फाइनली चढ़ाई शुरू कर दी है, और सब चिंटू को थैंक यू बोलो, इसके कारण ही हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि भाई हिम्मत दिखा रहा है। Close till I get up. Time is barely on our side. Water, ice. Water. Hey bro, keep smiling. आप कुछ कहना चाहोगे अपनी यात्रा के बारे में? Yeah, it is awesome. I'm feeling very good. Hello, I'm Kiranat की चढ़ाई कर रही हूँ। We are taking second small break. टायर्ड थक गया तू? नहीं 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 नहीं। आप आराम आराम से केयरफुल होकर चले, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का बहुत ज्यादा डर है, जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये सब लैंडस्लाइड के कारण है। जन्नत दिखाऊं? देखनी है जन्नत? जुबेर नहीं, रियल जन्नत। बीच में ऐसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल आ रहे थे, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? Awesome. ओए? ये क्या ड्रामा है? वो तो डैम, ही इज टेकिंग अ माल कसोल का। डंडा छीन के ले गया। व्हाट अबाउट योर कसोल का? अरे तू छोड़ दे। व्हाट अबाउट योर कसोल का? अरे छोड़ दे प्लीज। देख लो भाई, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, मुझे पकड़ा रहा है अपना। दूर से देखो पहले। ला ब्रो ला, मैं कितना मेहनती हूँ देखो। Three hours later. चलते चलते हो गया ये बहुत रात, हम 6 बजे चल रहे थे, हमने 3 ब्रेक लिए थे अब, लेकिन ये जो ब्रेक लिया है ना हमने, बड़ी देर के बाद लिया है। कम से कम मान लो 2.5 किलोमीटर हम पैदल चले होंगे पहाड़ों पर, 2.5 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं है। बताओ चिंटू भाई, आपके 2.5 किलोमीटर की बहुत ज्यादा होता है, लेकिन भोले हमारे साथ है। जय भोले, जय भोले। The next day. अब तो सर कहवा खा के जाएंगे। रात में क्या क्या हुआ बताओ? बहुत ठंड लग गया मैं तो। फिर उसके बाद पूरी रात नहीं सोए। ये लोग लकड़ी तोड़ रहे हैं आग जलाने के लिए, इसमें नेट की जरूरत नहीं होती। वाह। हेलो गाइस, हम केदारनाथ के आधे रास्ते पर हैं। गाइस हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे महादेव, हमने ऐसा बोला था, लेकिन हमारे थक गए हम वाली, तो इस दिन हम तो गए, अब थोड़ी देर बाद जाएंगे हम केदारनाथ। ठीक है, क्या गीला लग रहा है मुझे, गीला मल गया। दोस्तों हमारे साथ बहुत बलाई टाइम होला है, बहुत बलाई टाइम होला। अपने यूट्यूब पे वीडियो बना लेते ना मैगी वाले, तो दूध वाला के रहता था कि वीडियो मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मैगी खा दूंगा, तब हम रात को थो लेते ना, तो यूट्यूब वाले आए थे, वो हमारा ये मैगी वाला खा गया पूरा, और ये वाला बच गया, आधा बच रहा हमारा। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, स्कैम दोस्तों। अब हमें बताओ कि यूट्यूब को गाली दे नहीं दे, हमारा सिल्वर प्ले बटन भी नहीं दे रहा है वो। यूट्यूब वाले साथ में भालू भी लाए थे, भालू ने मैगी खाई, हमारी ले भी ली। वो तो आधी बतरी है, बात ही आधी बतरी है, इतनी सारी मैगी थी आधी बतरी, हम क्या कर लेंगे, हमारे साथ कमजोरी सी महसूस हो रही है भाई। सुन भाई, भालू ने ना लाटो कमजोरी मैं तो तोली है कमजोरी। अरे मल गया। तेरे अंदर तभी थोड़ा भालू आने वाला, पता तो दे। हे गाइस, रात 12 बजे से अभी तक हम आराम कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां थी वो थक चुकी थी, किसी को सांस नहीं आ रही थी, किसी का पैर में दर्द था, किसी को बुखार था।
जनाब ये है बर्फ का ग्लेशियर, तो ये ऊपर से मेल्ट होकर आया है। ये अक्सर अक्टूबर के महीने में ही नीचे आते हैं ऐसे ग्लेशियर केदारनाथ से। और ये है गुफा, अभी मैं इसके अंदर गया था, बहुत ही ज्यादा एकदम नेचुरल हवा इसके अंदर, तो पर बाहर आ गया था मैं क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि ये गिर ना जाए। तो हम चले थे कल 3 बजे, तो आज बज रहे हैं 3, तो हम हो गए पूरे 24 घंटे। तो 24 घंटे में हम पहुंच पाए केदारनाथ के पास। तो ये जो आप देख रहे हो ना चोटी, ये है मंदिर है केदारनाथ का। तो इसको देख कर यार बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसके लिए इतनी मेहनत करी है उसकी उसकी एक झलक दूर से दिख जाए ना तो मज़ा ही लग जाता है। ये जर्नी तो हमें पूरी लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि इस ये पहली एक ऐसी ट्रैकिंग है जो हमने 24 घंटे में करिए। बाकी तो हम जितनी भी जो ट्रैकिंग होती है ना 5-6 घंटे में निपटा देते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग हमेशा सदा सदा के लिए हमें याद रहेगी, क्योंकि ये ट्रैकिंग नहीं, ये हमारे लाइफ के उतार चढ़ाव थे इन 3 दिनों के अंदर जो हमने फेस करे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप एडवेंचर करना चाहते हो ना वाकई में, तो निकलो घर से बाहर, मज़ा आएगा। दुनिया बहुत अच्छी है, पर आपको अपनी नज़र से सही तरीके से देखना है दुनिया को। दुनिया के अंदर 90% लोग सही होते हैं, बाकी जो 10% लोग होते हैं वो बेकार होते ही होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। तो कोई नहीं, आप उन 10% की परवाह ना करते हुए 90% लोगों की परवाह करो जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप भी ट्रैकिंग करने जाओ अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ निकलो, अच्छा लगेगा। और साथ में कैंपिंग ज़रूर करना, कैंपिंग इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट आइडिया फॉर ट्रैवलिंग। बताए कैंपिंग के आने से ये आसान हो जाता है कि हमें ना स्टे की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कहाँ रुकना है, आपको बस एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पर आप परफेक्ट पूरे, तो वहाँ पर आप कैंप लगा के अपना जुगाड़ कर सकते हो, मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा। तो भाई नेचर बहुत ज़्यादा मस्त है सच में। ये मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं, वाओ। तो गाइज इतनी मेहनत के बाद हम मंदिर पर पहुंच ही गए। अय है क्या मज़ा आ रहा है इस टाइम, अब क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम एकदम परिवर्तन हो चुका है और लोग अब आने लग रहे हैं। दोस्तों अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और अभी हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से मंदिर को देख लेते हैं, कल सुबह मंदिर को और अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मंदिर का पिछले वाला भाग है, अभी हम जाएंगे टेंट लगाएंगे सोएंगे, और अभी कुछ देर बाद आरती होने वाली है, चलो वो देखते हैं। और उससे पहले ये है शिला जिसने मंदिर को बचाया था। हमने टेंट तैयार, ठीक है। हाँ। अब चैनल को लाइक इस बात पर और करो सब्सक्राइब। तो बताओ ये टेंट में आपको कैसा लग रहा है? टेंट में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा टेंट में आती लड़ाई। एक एक करके बोलो ना। यहाँ पे हर टेंट में आती लड़ाई लगती है, तब भी हमारी बिग बॉस की तरह लड़ाई होने लग जाती है। क्या ठंड सबसे ज्यादा है? अगर रात को ठंड पड़ती तो क्या आप चिपके सोने वाले हो? आप किसके साथ चिपकोगे? आपके साथ, साथ, साथ है? मम्मी के साथ चिपकेंगे। अच्छा ये आपकी मम्मी है, आप किसके साथ चिपकोगे? अपनी बाजी और अम्मी से, ठीक है। ये पुलिस वाला डंडे है, आप इसका प्रयोग बेझिझक कर सकते हो किसी के ऊपर भी। अगर आपको कोई लड़की रात को मोलेस्ट करती है आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, लड़की या लड़का। तुम आपस में भी मत कर लेना इसका प्रयोग, लाठी चार्ज कर दे जैसे कि आप।